भाग्य चक्र के प्रायोजक हैं मिड टाउन बिजनेस पार्क पीर मुछल्ला जीरकपुर। नमस्कार, मैं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हमारे खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है आकर्षण विद्या, यानी कि आपका जो सच्चा प्यार है, आपका जीवन साथी है, वो आपको कब मिलेगा और माता पिता और आपका प्यार कैसा है। इन सभी तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर नारायण आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे। और साथ ही दर्शकों को बता दें कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं अपने भविष्य से संबंधित। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी नमो नारायण जी मित्रों, ओम श्री कृष्णाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दोस्तों बात कर रहे हैं आकर्षण विद्या की, वशीकरण विद्या की। रोज आप अखबारों में, टीवी में, बहुत जगह विज्ञापन भी आते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण करा लीजिए, 1 घंटे में कराइए, ऐसा वैसा फलां फलां फलां, बहुत कुछ आता है। छोटी उम्र के बच्चे भटक जाते हैं ऐसे विज्ञापन देख करके और गलत इंसान के पास चले जाते हैं और उसका नुकसान बड़ा होता है उसके बाद, या तो पैसे का या फिर कोई और बड़ी सारी पीड़ाएँ दी जाती हैं उन्हें। ऐसा किसी चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसी वशीकरण विद्याओं की बात करें तो आज के दिन 99% वशीकरण विद्याएं जो हैं वो फेक आ रही है मार्केट में। दोस्तों सबसे बड़ी आकर्षण विद्या तो आपके पास खुद के पास है। आप खुद अपना मंत्र का जाप कीजिए, खुद अपनी पूजा कीजिए। अगर आप लक्ष्मी जी को आकर्षण करना चाहते हैं, पत्नी को आकर्षित करना चाह रहे हैं, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने दोस्त को अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं, तो ये तो आपके अंदर खुद में कला होनी चाहिए। एक मीठी वाणी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल होए। दोस्तों सबसे पहली चीज तो मीठी वाणी है। अब बोल रहे हैं आप बंदूक की गोलियों के तरीके से, कहां आकर्षण आएगा। आपकी आवाज में इतना कर्कश है, कौवे की तरह आप बिल्कुल कां कां करके आप अपने साथी को परेशान करते हैं, प्रेम कहां से उत्पन्न हो जाएगा। बात कर रहा हूं दोस्तों महामंत्र की, और बात करूंगा आज वशीकरण के उन उपायों की जो कि एक माता भी कर सकती है अपने बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। एक पति, वो पति जो भटका हुआ रास्ते से, गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे ठीक करने के लिए भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं वादा करता हूं अगर किसी ने इसको मिसयूज किया, गलत काम के लिए यूज किया, तो आप नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे, आपका खुद का नुकसान हो सकता है बड़ा भारी। पूरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको बड़े सारे उपाय बताऊंगा। दोस्तों बात कर रहा हूं, सबसे पहले महामंत्र है ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः, ओम क्लीम नमः। दोस्तों इस मंत्र का जाप स्पटी की माला हो, सफेद रंग की स्पटी, असली स्पटी को, मार्केट में 100-200 रुपए में नकली माला मिल रही है, इतने में नहीं आती, असली स्पटिक माला से एक मंत्र का पाठ करना है ओम क्लीम नमः। एक माला रोज शुरू कर दो आप डेली करनी। पास में आपने क्या रखना, थोड़ा दूध रखना है, 1 गिलास भर के या 1 लोटे में भर के या 1 कप भर के, कुछ भी थोड़ी मात्रा में जितना आप पी सकते। और इस पाठ को पूरा होने के बाद में जब पाठ करेंगे तो माँ दुर्गा का ध्यान करना है आपने, माँ शक्ति का ध्यान करना है, और उसके बाद में उस दूध को आपने पी लेना है। ऐसा करने मात्र से आप लक्ष्मी जी को, अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने साथी को सही रास्ते पर ला सकते हैं, आकर्षित करके अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर पति पत्नी में बहुत ही ज्यादा झगड़ा हो रहा हो, कलेश खत्म ही नहीं हो रहा, सबसे बढ़िया सस्ता उपाय बता रहा हूं आज आपको, कर लेना बस, लिख लो ये उपाय, आप रिजल्ट आएंगे 101% आएंगे ही आएंगे। एक बांसुरी ले आना, एक 10 रुपए की बांसुरी बाजार से मिलती है, बांस की, छोटे छोटे बच्चे बजाते हैं कृष्ण भगवान की बांसुरी, सिर्फ अपने बेडरूम में अपने गद्दे के नीचे, तकिए के नीचे परमानेंट रख लो। दोस्तों यकीन मानना, जो संबंध खराब हो रहे हैं पति पत्नी के, माधुर्य में बदल जाएंगे गिने दिनों के अंदर जी।